ओम शांतीच्या वतीने लहान मुलांना योगा क्लास 21 ते 25 मे पर्यंत प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भवानीनगर नगर हुलसूर ओम शांतीच्या वतीने लहान मुलांना योगा क्लास यावेळी ओम शांती शैलजा बहनजी प्रमुख अनिल कुमार शास्त्री सरकारी प्राथमिक शाळा हंद्राळ बसवकल्याण स्काउट गाईड कार्यदर्शी मौनेश पांचाळ पत्रकार महेश हुलसुलकर यांच्या हस्ते कार्यक्रम उद्घाटन करण्यात आले. ओम शांती शैलजा बहनजी बोलताना आजपासून दोन तोंडी बोलू नये व मित्रांसोबत भांडण करणे सोडून देऊन भांडण करणे विसरलो तर सकाळ ते रात्रीपर्यंत शांती राहत नाही. आपले आई वडील आपल्यासाठी मेहनत करतात त्यामुळे घरात शांतता पसरली पाहिजे. टी व्ही व मोबाईल पाहणे टाळावे. आपण या देशाचे फूल आहोत, काटे होऊ नये. भारत देश हा पुण्यवान देश आहे. भारतासारखं संस्कृती कुठेही नाही. आपल्याला गर्व असला पाहिजे. हिंदू धर्मात मुलंही देवाघरची फुलं म्हणतात. मुलंही निरागस मन पवित्र असतात असे बोलत होते. मना भगवान को प्रत्यक्ष धरती माँ आज भारत को भी प्रत्यक्ष करने वाले भारत कैसा देश है तो हमारे जो संस्कार है हमारे थ्रू भारत क्या चीज है वो दुनिया वालों को हम दिखा सकते हैं. क्यों? भारत एक ऐसा देश है. भारत की मिट्टी माना सोने से भी कीमती चीज है. क्या है? भारत की मिट्टी माना सोने से भी कीमती चीज है. और ऐसे देश में भारत एक ऐसा देश है स्वयं भगवान की जन्मभूमि है. और इस धरती पर जितने भी हम गिनती करते हैं जो महान गिने जाते हैं वैसे महान आत्माएं कहो या धर्म आत्माएं कहो या गुरु कहो या साधु संत कहो जितने भी ऋषि मुनि हो गए या जपी तपी हो गए या हमारे भारत के शिल्पकार अंबेडकर जी हो गए या विश्व को भगवान के बच्चे माना भगवान के समान मानते हैं. छोटे बच्चे माना सुभान अल्लाह कहते हैं. तो सच में आज आप सब में देख रहे हैं. क्यों? भगवान खुद कहते हैं गीता में कि छोटे बच्चे माना समान अल्लाह, छोटे बच्चे माना सुभान अल्लाह. तो आप मासूम से फूल धरती की क्या हो गए? आप सब सितारे हैं. हाँ, और आप कौन है? अपनी परिवार में जो माँ बाप है या हमारे आपके स्कूल में जो टीचर्स है वो सब के कौन है? आप प्यारे हैं. तो आज हम या अक्क महादेवी कहो जितने भी महान हस्ती हमारे इस धरती से जैसे कि मोती खिले हैं उनका इतिहास हम पढ़े तो वो हमारे लिए क्या है? एक लेसन है. हर एक का इतिहास चरित्र हम पढ़े. कैमरामन महादेव कुपनोरे सह महेश हुलसुलकर, एबी न्यूज हुलसूर.